विचार बदल चुका है और इस बार जो भी बाहर के आएंगे उनके खुल के विरोध किया जाएगा। जो लोकल होंगे उनको वोट देंगे और उनसे विकास का काम करवाएंगे। जैसे वोट देंगे उसी तरह से उनसे पकड़ के काम करवाएंगे। भाई हम दूसरे को क्यों वोट देंगे, जब अगर आस पास के कैंडिडेट हो और जानने वाला हो हम उसको क्यों नहीं वोट देंगे, हम दूसरे को जो वोट देंगे। बदलाव है विचार में, बिल्कुल है। बचाओ संगम विहार नेता, लाओ संगम विहार बचाओ, वरना जो हालत है वही रहेगी, कोई सुधारने का नहीं। सिर्फ अपने घर बनाएंगे, अपने फार्म हाउस बनाएंगे, अपनी कोठियां बनाएंगे, उसके अलावा संगम विहार के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। लोकल लाओ और संगम विहार बचाओ, संगम विहार की एक ही आवाज है। आज संगम विहार विधानसभा में नाली सड़क बिजली पानी मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत एक सर्वे प्रोग्राम के जरिए आप दिनेश जायसवाल को देखेंगे, जो समाज सेवी होने के साथ साथ एक यहाँ पर स्थानीय निवासी भी है। और स्थानीय निवासी होने के नाते दिनेश जी, आज काफी सर्वे के दौरान हमने लोगों से बात की, नेगेटिविटी खूब है, लोग बहुत परेशान है, और जाते जाते क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरीके से समापन करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख ही रहे हैं, आपको पूरी गले सर्वे कराया हूँ, ये देख ही रहे हैं। और हमारे जो ई ब्लॉक के प्रधान जी है हीरा पंडित जी, थोड़ा इनसे भी बात कीजिए कि हमारी ब्लॉक की कितनी समस्या है, प्रधान जी स्वयं बताएंगे इस बात को। आइए प्रधान जी से मिलाता हूँ। ठीक है, तो दिनेश जी प्रधान जी को ले जा रहे हैं, ये कार्यालय है इनका, कार्यालय निवास है हीरा पंडित समाज सेवी, कोई नेता नहीं है दोस्तों, जानकारी के लिए बताते हैं। पंडित जी को थोड़ा बाहर आएंगे, पंडित जी हैं या नहीं है पहले देखते हैं। हाँ पंडित जी हैं, पंडित जी थोड़ा बाहर आए, थोड़ी सी समस्याओं के बारे में देख सकते हैं। हमने इस ब्लॉक के जो प्रधान जी हैं हीरा पंडित जी, ये इनका कार्यालय है, देख सकते हैं, यहाँ पर सभी का स्वागत अभिनंदन हमेशा करते रहते हैं। अच्छे समाज से भी होने के नाते इनका काम हमने देखा है और जद्दोजहद कोशिश करते रहते हैं, और जो भी समस्याएं हैं उसके संदर्भ में हमेशा विरोध प्रदर्शन करना हो, चाहे लोगों को समस्या से निजात दिलाना हो, हीरा भाई हमेशा करते हो। आप इसके लिए सराहनीय कदम उठाते हुए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। खासकर इन दिनों में पूछना चाहूंगा, संगम विहार विधानसभा में नाली सड़क बिजली पानी, आजादी के 75 साल के बाद क्या आम आदमी पार्टी की सरकार अभी है एमसीडी में भी, और आपके विधानसभा में भी, और एमएलए भी आपके हैं, निगम पार्षद हैं, कैसा काम रहा, किस तरीके से आप समझते हैं मैटर? संगम विहार या दिल्ली के अंदर 1993 से चुनाव होते आ रहे हैं विधानसभा के, यहाँ पर कई पार्टियां आई, कई विधायक आए, लोकल भी आए, बाहर के भी आए, ज्यादातर वैसे बाहर के विधायक मिले यहाँ पर। संगम विहार को जो लोकल विधायक है अभी संगम विहार को मिल ही नहीं पाया, संगम विहार से आज तक वंचित है। बाकी समस्या जस की तस है, जितना सुधार होना चाहिए था उसके नाम पे जीरो है। जैसे 100% सुधार होना चाहिए तो 0% सुधार हुआ है। बाकी ये रोडे देख लो क्या हालत है, नालियों की हालत देख लो आपकी। 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिनमें पार्षद भी उनका है, विधायक भी उनका है, तब भी कोई सुधार नहीं हो पाया। कूड़े के नाम पे आ गए वो लोग, पहले विधायक के नाम पे, पानी के नाम पे आ गए, फ्री पानी फ्री बिजली के नाम पे आए, लेकिन कोई सुधार नहीं हो पाया। मेरी खुद की उम्र 38 साल हो गई, 38 ईयर का मेरी एज है, जैसा संगम विहार पहला था वैसे ही है, ज्यादा कुछ नहीं बदला। और जो बदलाव आया है वो तो नेचुरल आना ही होता है, मैं भी 1 साल का था, 38 साल का हो गया, नेचुरल बदलाव है, लेकिन जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव आया नहीं है। आज भी संगम विहार अपनी उसी परेशानी से जूझ रहा है जो पहले चली आ रही थी। अभी चुनाव आएगा, अभी चुनाव बड़े जल्दी होने वाले हैं, यानी कि 3 से 4 महीने के अंतर्गत चुनाव होने वाले हैं। ये रोड देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कहीं पर भी आपको समतल या साफ सफाई एक आरसीसी की रोड आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सीवर लाइन के नाम पर जो रोड यहाँ पर बनाए गए थे ये रोड सारे बीच में से फट चुके हैं, और कच्ची मिट्टी की भराई हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। आप यहाँ भी देखिए, जहां भी देखिए, ये रोड देखिए, बीच में जो रोड है, ये जो रोड है, और ये देख सकते हैं ये बीच में फटा हुआ सिस्टम है ये। और दिनेश जायसवाल एक समाज सेवी, हीरा पंडित जी समाज सेवी, तो समाज सेवा करते करते लोगों के पास समय नहीं है। यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते रहते हैं, आवाज उठाने के लिए कोई नहीं, क्या इस चीज का दुरुपयोग करते हैं, इस चीज का फायदा लेते हैं ये लोग कि भाई संगम विहार में बोलने के लिए कोई नहीं, हमें टोकने के लिए कोई नहीं, चलो जैसे मर्जी है वैसे काम करें। संगम विहार के लोग बोलते भी हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन आवाज उन तक पहुंच नहीं पाती। उसका मेन कारण यह है कि यहाँ का कोई लोकल आदमी है नहीं, विधायक दूर का है, वहां तक जाएगा कौन, उस तक मैसेज पहुंचाएगा कौन? आवाज ऐसा नहीं है, जनता बोलती नहीं, जनता बोलती भी है, बहुत चिल्लाती भी है, आक्रोश भी होता है, हमने भी बहुत बार आक्रोश किया है कि लाइव सोशल मीडिया के लाइव से माध्यम से दिखाया भी लोगों को, लेकिन जब विधायक यहाँ का लोकल है ही नहीं तो उसको आवाज पहुंचेगी कैसे? आवाज पहुंचाने के लिए खानपुर जाना पड़ेगा,
अब यहाँ का कोई लोकल आदमी कैंडिडेट बनेगा या वो चुनाव जीत के आएगा तो उसके घर जा सकते हैं। जैसे मैं इसी ब्लॉक में रहता हूँ, मैं इसी ब्लॉक का प्रधान हूँ, तो इस ब्लॉक को जो समस्या आती है वो दिन में रात में कभी मेरे पास आते हैं बोल के। अब जब विधायक यहाँ का है ही नहीं, लोकल ही नहीं होगा, तो उसके बाद जाएंगे कहाँ, उससे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। तो भैया ये तो फिर संगम विहार की दिक्कत है ना दिनेश जी, आप भी तो यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, तो बाहरी कैंडिडेट को आप लोग कैसे जिताते हैं, क्यों जिताते हैं, फिर चुनाव आएगा फिर जिताएंगे? ये हम लोगों का मजबूरी समझिए, या जैसे हर पार्टी जो भी पार्टी कैंडिडेट ही बाहर उतार देता है, मजबूरी होता है वोट देना, इसलिए इस बार हम लोगों ने जो विचार है, जो यहाँ की जनता का यहाँ का नागरिक का विचार है कि इस बार चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो, जो हमारी स्वयं संगम विहार विधानसभा के कैंडिडेट होगा उसी के प्रति यहाँ का जनता वोट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तभी हो पाएगा समस्या। जैसे एक नारा चला हुआ है ना, लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया, बाहर की चीज, तो मेड इन संगम विहार चलेगा नेता, यहाँ पर बाहर का नेता चलेगा नहीं, कोई खानपुर से आए, कोई देवली से आए, कोई कहीं और से आए, वो नहीं चलेगा, जो मेड इन संगम विहार होगा वही चलेगा, उसी को लोग वोट देंगे और हम उसी का समर्थन करेंगे। अगर कोई बाहर से कोई कैंडिडेट आता है तो उसका हम खुलकर पुरजोर विरोध भी करेंगे। क्या बात है, क्या करेंगे, लोकल कैंडिडेट को वोट देंगे या फिर कोई बाहरी आएगा उसको उतार देंगे और फिर वोट देंगे, फिर इंतजार करें काम कब होगा? नहीं, बाहर को वोट नहीं देंगे, लोकल जो रहेंगे, जो काम करने वाले रहेंगे उन्हीं को वोट देंगे हम। मगर ऐसा होता हुआ नहीं आ रहा था, इस बार चांस है। तो चलिए देखते हैं, लोकल फॉर वोकल यानी कि संगम विहार में जो कोई बात नहीं, ये है सर, है सर, वर्षों से संगम विहार की पीड़ा यही रही कि बाहरी कैंडिडेट आते हैं, वोट ले जाते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, ये 3-4 महीने में चुनाव आ रहा है, कुछ विचार बदलेंगे या वैसे ही? विचार बदल चुका है, और इस बार जो भी बाहर के आएंगे उनके खुल के विरोध किया जाएगा, जो लोकल होंगे उनको वोट देंगे और उनसे विकास का काम करवाएंगे, जैसे वोट देंगे उसी तरह से उनसे पकड़ के काम करवाएंगे। पकड़ने की जरूरत है, क्यों, घर यही क्या होगा, घर का घर पे भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बाहरी कैंडिडेट बाहर रहेगा तो कहाँ से जाएंगे, कैसे बोले, जा ही नहीं पाते, बोल बोल के थक गए, हो नहीं रहा है। अब खुशी की बात यह है कि लोगों को इस पीड़ा की जो बात है, जो वर्षों की जो समस्या रही है, इस समस्या के ऊपर लोग अवगत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में संगम विहार विधानसभा में जो लोग रहते हैं और जो लोग यहीं के निवासी हैं, क्या कहेंगे, बाहरी कैंडिडेट को देंगे, जैसे एमएलए बने, बाहरी आए, चल दिए, काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अब की बार चांस है, आप अपने क्षेत्र की कैंडिडेट को जिता सकते हैं। तो भाई हम दूसरे को क्यों वोट देंगे, जब अगर आस पास के कैंडिडेट हो और जानने वाला हो, हम उसको क्यों नहीं वोट देंगे, हम दूसरे को जो वोट देंगे। बदलाव है विचार, बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद, यही सुन के हमें तो खुशी मिली है, क्योंकि हम भी लगातार कई सालों से पत्रकारिता करते हैं, संगम विहार में एक पीड़ा और एक प्रॉब्लम ये भी रही है कि कैंडिडेट बाहर से आते हैं और पार्टी भी उतार देती है, लोग मजबूरी में वोट देते हैं। संगम विहार का लाओ, संगम विहार बचाओ, संगम विहार नेता लाओ, संगम विहार बचाओ, वरना जो हालत है वही रहेगी, कोई सुधार नहीं, सिर्फ अपने घर बनाएंगे, अपने फार्म हाउस बनाएंगे, अपनी कोठियां बनाएंगे, उसके अलावा संगम विहार के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। लोकल लाओ और संगम विहार बचाओ, संगम विहार की एक ही आवाज है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।